हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफोसिस कंपनी के सैलरी हाइक के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है इंफोसिस कंपनी के द्वारा। ये जो न्यूज है वो इंफोसिस एम्प्लॉय के लिए है, तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो, चाहे वो ऑनबोर्डिंग रिलेटेड हो, हायरिंग हो, फायरिंग हो, मास लेऑफ हो, लेऑफ हो, चाहे वह कोई भी कंपनी प्लेसमेंट न्यूज हो, उनकी सारी अपडेट हमारे YouTube चैनल पे आपको मिले। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बात करते हैं इंफोसिस कंपनी के द्वारा एक न्यूज क्या है कि बैड न्यूज फॉर इंफोसिस एम्प्लॉयज, आईटी मेजर डेफर सैलरी हाइक्स। इंफोसिस कंपनी के द्वारा जो है सैलरी हाइक को डेफर कर दिया गया है। ये सैलरी हाइक इनके लिए डेफर किया गया है, किस लिए डेफर किया गया है, इनके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा आप हमारे स्क्रीन पे जो है मिंट के द्वारा जो रिपोर्ट है उसके आप देख रहे हैं और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, पढ़ भी सकते हैं, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद बाकी डिटेल्स में हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं। वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट टेक गिगंट्स इंफोसिस हैज डेफर्ड द पेमेंट साइक हाइक ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, विच इज यूजुअली रोल आउट फ्रॉम अप्रैल फॉर इट्स एम्प्लॉइज बिलो द सीनियर मैनेजमेंट लेवल अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल के मुताबिक, यानी मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के अनुसार जो है इंफोसिस ने सैलरी हाइक डेफर कर दिया गया है, जो कि यूजुअली जो है पे आउट होता है अप्रैल में, वैसे एम्प्लॉय जो कि सीनियर मैनेजमेंट लेवल से नीचे है, यानी बिलो सीनियर मैनेजमेंट लेवल्स में जितने सारे एम्प्लॉय है उन सारे एम्प्लॉय के सैलरी हाइक जो है डेफर कर दी गई है और उनकी सैलरी हाइक इस ईयर नहीं मिलने वाली है, जो कि इंफोसिस कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, इन्होंने मेंशन किया कि द रिसेंट न्यूज इंडिकेट्स द फाइनेंशियल क्रंच द कंपनी इज फेसिंग अंडर करेंट माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एट द नेशनल एज वेल इंटरनेशनल लेवल मेनी ऑफ इंफोसिस प्रोजेक्ट्स आर कैंसल और क्रैम्प डाउन। देखिए, इसका मेन वजह क्या है कि इंफोसिस की जितनी सारी प्रोजेक्ट थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल कर दी गई है, रैंप डाउन कर दी गई है, और कंपनी जो है माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे फेस कर रहा है, जिसके कारण जो है कंपनी की फाइनेंशियल क्रंचेज जो है काफ़ी खराब चल रही है, जिसके कारण जो है आपका जो है सैलरी हाइक रोक दिया गया है और सैलरी हाइक इस ईयर आपको नहीं मिलने वाली है, ऐसा रिपोर्ट है जो कि इंफोसिस कंपनी के द्वारा आपको मिल रहा है। ये रिपोर्ट जो है मनी कंट्रोल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, एज पर द ईयरली शेड्यूल द कंपनी प्रोवाइड्स अप्रेजल टू इट्स एम्प्लॉइज इन द क्वार्टर वन, हाउएवर दिस टाइम द कंपनी डेफर्ड प्रोवाइडिंग पे राइज टू इट्स एम्प्लॉइज पीपल वर्किंग एट द कंपनी कंफर्म टू मनी कंट्रोल। ठीक है, तो मनी कंट्रोल के द्वारा ये कंफर्म किया गया है और ये कंफर्मेशन जो कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा किया गया है जो कि इंफोसिस कंपनी में काम करते हैं। यूजुअली ईयरली शेड्यूल क्या होता है कि जून यानी क्वार्टर वन में ही जो है आपको जो है अप्रेजल जो होती है और सैलरी हाइक जो होती है कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को सारे एम्प्लॉय में नहीं आया, जिसके बाद ये कन्फर्म किया गया कि वैसे एम्प्लॉय जो कि बिलो सीनियर मैनेजमेंट लेवल है उन सारे एम्प्लॉय का जो है सैलरी हाइक डेफर कर दिया गया है, उनकी सैलरी हाइक इस बार नहीं मिली है ड्यू टू फाइनेंशियल माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन फेस्ड बाई कंपनी एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल एंड मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफोसिस आर रैंप डाउन और कैंसल्ड। This is the reason that's why company has deferred the salary hikes to the employee who is below the senior management level. तो ये था जो है इन्फोसिस कंपनी का अपडेट। बाद में की इसके अलावा कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आपको जो है अपडेट मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।